Hey you guys, what's up? This is Aisha George. Welcome back to my channel, The Engineer George. And in this video, मैं एक question का हम answer देने वाले हैं कि आखिर CRT होती क्या है, कॉलेज में placements कैसे लगते हैं, क्या procedure है. तो as a third year student, जिसने दो CRT के phases को pass किए हैं, I will give you the mid and second part. पार्ट जब फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तब करूंगी. तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है. सीआरटी का मतलब होता है कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग. नाउ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दो चीज़ें होती है. अगर आपको किसी कंपनी में जाना है, एग्जांपल मेरी ड्रीम कंपनी गूगल है, तो गूगल में जाने के लिए अगर वो मेरे कैंपस में आ रही है बंदों को, कैंडिडेट्स को हायर, एप्लीकेंट्स को हायर करने के लिए, स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि मुझे ऑन कैंपस अपने जैसे वो रिक्रूटर्स मेरे कैंपस में आएंगे एंड देन आई हैव टू प्रेजेंट बिफोर देम. मुझे उनके साथ इंटरव्यू देना है. ऑफ कैंपस का मतलब ये है कि वो मेरे कैंप मतलब कि उनका उनके जॉब पोर्टल्स पे उन्हें कोई वैकेंसी निकाल रखी है, तो मैंने उस पर अप्लाई किया, देन मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, देन मेरी स्क्रीनिंग राउंड हुआ, देन मेरा टेक्निकल राउंड हुआ जो कि 6 होते हैं, देन मेरा गूगलीनेस का राउंड हुआ, उसके बाद मेरा एचआर इंटरव्यू अगर एडिशनली हुआ, क्योंकि 6-7 राउंड होता है उसमें, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ. तो इट मीन्स दैट मैंने ऑफ कैंपस अपने बिहाफ पे, अपने दम पे, अपने अलग बिल्कुल लाइक अपने बलबूते पे, अपने से मैंने उस प्लेसमेंट्स को क्रैक किया है. उसमें मेरे को कॉलेज ने बिल्कुल हेल्प नहीं करी, लेकिन ऑन कैंपस कॉलेज ने उस कंपनी को बुलाया है मेरे लिए, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, एंड मैंने उस कंपनी के एचआर को इंटरव्यू दिया एंड देन मेरा प्लेसमेंट हो गया. इट मीन्स दैट वो कॉलेज का प्लेसमेंट है. ओके, सो ये दो चीज़ें होती है. सो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यही होती है कि एज अ स्टूडेंट ऑफ दैट कैंपस मेरे को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे आप मुझे बैठना है उस इंटरव्यू में, कैसे मुझे वो इंटरव्यू क्रैक करना है, बोथ, बिकॉज इंटरव्यू तो सेम होता है ना, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस इंटरव्यू के क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएंगे. तो वो मुझे तैयारी दी जा रही है एंड इसके लिए वो कॉलेज अलग से चार्ज करता है. ओके, वो अपनी फीस में से नहीं होता है, लाइक हमसे भी नॉमिनल चार्ज लिए गए थे. ओके, सो ऐसे में बहुत सारे फेजेस में बांट दिया है. नाउ अभी हमारे कैंपस में लाइक बहुत से कॉलेजेस में ये होता है कि थर्ड ईयर के हाफ में नहीं होकर फोर्थ ईयर में स्टार्ट होती है, लेकिन हमारे कैंपस में इसे थर्ड ईयर के हाफ में रख दिया गया है. एंड इट हैज़ प्री सीआरटी, देन फेज टू, फेज थ्री एंड देन फोर्थ इज लाइक कंपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग. लाइक जो कंपनी आएगी उसके स्पेसिफिक तौर पे आपको ट्रेन किया जाएगा, तो वो लास्ट फेज है फेज फोर. ओके, सो बीच में आता है फेज वन, दैट इज प्री सीआरटी. इसमें आपको सी, सी प्लस प्लस, ऊप्स, डीएसए एंड लाइक बिहेवियर क्वेश्चंस, जैसे हमें साइकोमेट्रिक टेस्ट बताना है एंड कम्युनिकेशन स्किल कैसे प्रेजेंट करना है, वो सब हमें सिखाया गया. लाइक सेकेंड सीआरटी में हमें हमारा फिर एक असेसमेंट हुआ जो कि एक डायग्नोसिस असेसमेंट टेस्ट था, जिसपे क्वेश्चंस आंसर थे, एमसीक्यूज थे. ओके, सो उसमें हमें ग्रुप्स में बनाया गया, हमारी रैंक्स आई, लाइक बहुत बहुत बड़े बहुत 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 डिप्रेशन था वो. ओके, बट ठीक है. उसके बाद हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, देन हमें पढ़ाने आए लोग जो कि एक्चुअली गूगल में, ऊबर में काम कर रहे थे, देन दे टॉट अस अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. सो ऐसे सेकेंड फेज हुआ एंड थर्ड फेज में भी हमारा अब मॉक इंटरव्यूज होगा, जैसे अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हमें मॉक इंटरव्यू देना है. जैसे मॉक एचआर इंटरव्यू हो रहा है, मॉक टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है, जो कि एक एजेंसी होती है जो कि हमें पढ़ाती है. तो इस चीज़ को पूरे को कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग. सो वो आपका थर्ड ईयर में स्टार्ट होता है, लेकिन मैं ये कहूँगी अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से कि लिटरली बहुत मिसलीड कर रहे हैं लोग कि डीएसए एंड डेव में बहुत सी लड़ाई हो रही है. आई अर्ज यू टू फॉलो प्रिंस सिंह. उसने लाइक मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में अगर एक अच्छा कनेक्शन है, दैट इज ही. उसने इतना अच्छा अपनी सीपी प्रोफाइल को बना रखा है, तो मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है, वो चीज़ जो हम थर्ड ईयर में कर रहे हैं, अगर हम सेकेंड थर्ड ईयर में कर जाते, लाइक इसीलिए थर्ड टायर कॉलेज को इसलिए कहते हैं, बिकॉज वहाँ पे सीपी लोग बहुत ही लास्ट में करते हैं, लाइक थर्ड ईयर में स्टार्ट करते हैं. एंड एनएसआईटी, आईआईटी, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में ही लोग अपने स्टूडेंट्स
सीपी में लग जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इतनी अच्छी हो जाती है थर्ड ईयर तक दैट दे कैन क्रैक गूगल उबर एंड उनके ऑफर्स ऐसे ही क्रैक हो जाते हैं बिकॉज यू नो एवरी कंपनी जो कि इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते मैंग फैंग की हाउ टू गेट इन टू माइक्रोसॉफ्ट हाउ टू गेट इन टू गूगल बस एक ही लाइन है लर्न सीपी प्रैक्टिस सीपी प्रैक्टिस सीपी मतलब प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसलिए क्या होता है जैसे कि कोई क्वेश्चन दे रखा है मुझे जिसमें मेरे को डेटा स्ट्रक्चर लगाना है कोई सा भी या फिर मुझे मैथमेटिकल टर्म लगानी है तो वही क्वेश्चंस आते हैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूज में और कुछ नहीं आता है वो हमसे रॉकेट साइंस नहीं पूछते वो हमसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछते वो हमसे DSA OOPS जैसे कॉन्सेप्ट ही पूछते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रियल टाइम प्रॉब्लम दैट इज क्वेश्चन तो बस वही चीज़ है सेकेंड और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स प्लीज DSA को सीरियसली लो एंड अभी से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में लगो लीड कोड में ग्राइंड करने लग जाओ मेरे अगर लीड कोड की प्रोफाइल देखोगे तो उसमें 255 क्वेश्चंस है क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में लीड कोड करती थी देन उसके बाद से मैंने अपना आधा थर्ड ईयर का हिस्सा अपना बिल्कुल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी बिकॉज ऑफ कम्युनिटीज एंड ऑल बट अगर आप फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम लिटरली बता रही हूँ हर एक चीज़ करने के लिए टाइम है सेकंड ईयर में सेकंड ईयर इज द गोल्डन ईयर ऑफ इंजीनियरिंग सो उसमें सीपी करने लग जाओ रोज के 3 क्वेश्चंस बना लो कि करने करने एंड थर्ड ईयर में आओगे तो मतलब उस 3 को 8 क्वेश्चंस में कर दो क्योंकि हमारे जो थे सर उन्होंने यही बोला कि अगर तुम 8 क्वेश्चंस कर लोगे लाइक बहुत सी शीट्स है स्ट्राइवर की शीट है अमन भैया की शीट्स है थत्तरवाल भैया की शीट्स है लव बब्बर की शीट है इवन जो हमारे को अब आए थे उनकी भी शीट है सो अगर किसी को शीट्स चाहिए लिंक चाहिए वो भी कमेंट कर देना ओके आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एज वेल मेरे व्हाट्स टेलीग्राम ग्रुप में मैं रोज कोई ना कोई अपडेट डालती रहती हूँ फॉर कोर्सेज फॉर इंटर्नशिप्स तो उसमें भी यार आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं क्योंकि वो मेरे लिंक्डइन पर बहुत सारी रिसोर्सेज है लिटरली बता रही हूँ बहुत सारी रिसोर्सेज पड़ी है एंड मैं सबको डाउनलोड करके रखती हूँ भले ही कभी पढ़ो ना पढ़ो बट आई हैव रिसोर्सेज तो कुछ भी हो पिंग मी इन व्हाट इन टेलीग्राम ग्रुप ओके सो ज्वाइन दैट ग्रुप देन याद ये सब होता है कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का और इसका हाफ वीडियो जो है वो मैं बाद बताऊंगी कि वीडियो वैसे बहुत लंबी हो चुकी है ओके सो लेट्स ओके सो सी यू सून एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर एंड ऐसा एक टिप कि अपनी लिंक्डइन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो जैसे कि आपने ये वीडियो देखी इस वीडियो का कोई सा भी स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिंक्डइन पे डाल सकते हो विच फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैच द पॉइंट्स दैट तुम्हें बहुत अच्छे लगे हो कि भाई ये पॉइंट तो अच्छे हैं उसको आप अपने लिंक्डइन पे लिख सकते हो डू टैग मी ऑन योर पोस्ट एज वेल मेरे पास 7000 से 7000 ओके सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टिल देन सब्सक्राइब बिलो